पहले क्यों नहीं बताया? मेरे ट्रेन में बिठा के खुद को क्यों हो गए? मेरे पास आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया मामा? क्यों? तो मेरी पंजाबन ते अंग्रेजी बोलने लगी। मत पलटो मामा। तेनू की लगता है कुलवी कि मैं तेनू छट के दूर रह पाया हूँ? ओ पुत्तर, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था। मैं कैसे बच कर आया हूं मैनू पता है। ओ पुत्तर, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं तेरे पास हूं, तेरे साथ हूं। अच्छी जगह बुरी जगह बड़े लोगों की बातें दुनियादारी। मैं छोटी हूं तो कुछ भी कह दोगे। जैसे देखो मैंने चूरे चढ़ाते रहते हैं। आपने भी यही किया। अगर आप मुझे मेरे बाबा के बारे में पहले बता देते तो आज ये इतना बड़े सियापन नहीं होता। अभी तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पापा मिल गए पर हुड़ में की करो। इस बात पे खुश हो जाओ कि जो सिकंदर जी मैंने इतना प्यार करते हैं वही मेरे पापा हैं, या इस बात पे दुखी हो जिन सिकंदर जी से मैं इतना प्यार करती हूँ उन्होंने मेरी माँ इतना सारा दुख दिया। उन्होंने मेरी माँ तो क्यों दिया बाबा, क्यों? तेरे पापा बुरे आदमी है, उन्होंने तेरी माँ को छोड़ दिया, कभी पलट के नहीं देखा, वो देखो भूल गए, तुम इनको भूल जाओ। सच्ची सच्ची बताओ मामा, सिकंदर जी अच्छे आदमी या बुरे आदमी? मामा सच्ची सच्ची बोलो ना, सिकंदर जी अच्छे आदमी है बुरे आदमी? बोलो। अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है मैनू नहीं पता कुल्फी, नहीं पता। अगर झूठे 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 में फीते वाली बात कर दिए ना तो मैं जा रही हूं। कुल्फी कुल्फी मेरी गल सुन, कुल्फी 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 मेरी गल सुन। तू सच्चाई सुनना चाहती है ना, तो सुन। मुझे तेरे सिकंदर जी कभी भी चंगे नहीं लगे। कोई उनका नाम लेता था ना तो मुझे मेरी बहन की सिसकियां सुनाई देती थी, कोई उनका गाना बजाता था तो मुझे निम्मो का इंतजार याद आता था, और कोई उनके बारे में बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे वो निम्मो को ताने दे रहा है। और फिर वो खुद चिरौली आ गए, जिस चौखट पर निम्मो ने उनके इंतजार में अखियां बिछाई उसी चौखट पर खड़े होके मुझसे पूछने लगे कि तेरे पापा का नाम क्या है। मुझे लगा जिस आदमी ने मेरी बहन का सच्चा प्यार ठुकरा दिया, उस आदमी को तेरा प्यार नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि तू उसकी बेटी है। कुल्फी, सिकंदर जी तेरे मामा को ढूंढते हुए वहां आ गए, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं निम्मो का भाई हूं। उन्हें नहीं पता कि तू निम्मो की बेटी है, क्योंकि तेरी मामी ने उनसे पहले ही झूठ बोल दिया था कि निम्मो ने किसी और के साथ शादी कर ली और अब वो अपने पति और बच्ची के साथ खुश है। कुल्फी, सिकंदर जी को ये भी नहीं पता कि निम्मो अब इस दुनिया में नहीं है। झूठ 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 दे दे सारे झूठ। मेरे पापा के बारे में जब माँ से पूछा उसने झूठ बोला, जब सिकंदर जी ने आपसे पूछा तो आपने झूठ बोला, देवर जी ने सिकंदर जी से पूछा सिकंदर जी ने झूठ बोला। आप बड़े लोग कितने इतने इतने झूठ बोले तो फिर भी आपके पेटों में दर्द होता? Thank you.
हाँ मेरे शेर इतने मोटे मोटे मोती थोड़ी ना लुटाते हैं। इतने महीने से सिकंदर जी मेरा क्या लग रहे हैं, ऐसे क्या लग रहे हैं जैसे मैं ही उनकी बेटी हूँ। वो मेरे वजह से प्यारी जी और अमीरी जी से भी लड़ लेते हैं, जब किसी अनजान बच्ची से वो इतना प्यार कर सकते हैं तो फिर माँ और मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं कर पाए जब मैं पैदा हुई थी। उन्होंने प्यारी जी नाल ब्याह करके मानू तो का क्यों दिया मामा। इन सारे सवालों के जवाब न तुझे सिर्फ सिकंदर जी दे सकते हैं, और इन सारे सवालों के जवाब जानना तेरा हक है पुत्र। तो मैं उनसे कभी डरने लगा, पर आज जब मेरा हक है तुझसे ये सवाल पूछने में वो डर लग रहा है। कैसा डर पुत्र? तू यही सोच रही है ना कि अगर वो तेरी माँ को भूल गए होंगे तो तेरी नजरों में उनकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर उन्होंने ये कहा कि वो तेरी माँ को प्यार करते थे और आज भी करते हैं तो की बीबी और बच्ची का क्या होगा? I wish तुम्हारे कही होती कुल्फी। और फिर ये तो पहले ही मुझसे नफरत करती है, वो कहती है काश वो मर गई होती। ना कुल्फी, ते फिर तू मेरी गल सुन। मैं आज तुझसे वही कहूंगा जो मैं निम्मू नु कहंदा सी कि अब से तू किसी के बारे में कुछ मत सोच, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच। अगर तेरे लिए इन सारे सवालों के जवाब जानना जरूरी है ना तो पूछ कुल्फी, बेधड़क पूछ, बेझिझक पूछ। और अगर तू मुझे बोलेगी ना तो मैं तुझे सिकंदर जी के घर लेकर जाऊंगा और तुझे वहां छोड़ कर आऊंगा। अगर तू कहेगी कि मुझे उनके साथ रहना तो मैं तेनू उठे छट भी आऊंगा। और अगर तू कहेगी कि मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं पूछना, तो कुल्फी मैं तेनू अपने साथ चिरौली ले जाऊंगा पुत्र। और रब दी सौ सिकंदर जी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि तेरा और उनका कभी कोई रिश्ता था। वापस जाओ या ना जाओ मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा कहती थी जब कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ तो मन की बात सुननी चाहिए। तो सुनना पुत्र। एक बात कहे तो सुन भी लो, मन भी तो दो दो बातें कहता है। पहले कहता है वो कर जो माँ ने किया था और उन्हें भूल जा। और फिर क्या कहता है? फिर कहता है वो मेरे बाबा है, मैं उन्हें ढूंढते हुए आया हूँ, अब जब मिल गए हैं तो मैं वापस कैसे चली जाऊँ? तो फिर वो कर पुत्र जिसमें तुझे खुशी मिलती है। मामा सिकंदर जी को मिल के उनको जम्पी डाल के उनको मामा कहने में मैं तो बहुत खुशी होगी। क्या वो खुश होंगे? क्या वो मैं सच बता पाएंगे उन्होंने मानू क्यों छोड़ा था? और अगर उनका जवाब अच्छा नहीं लगा तो अगर वो मैंने नहीं बता पाया उन्होंने मानू तो क्यों दिया? अगर उनकी कोई मजबूरी हुई नहीं तो अगर वो उन्हें अच्छे नहीं हुए तो मैं उन्हें समझती हूँ तो मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ मामा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर उनके जवाब से वो इज्जत कम हो गई ना तो न वो गुजर पाएंगे और न मैं। फिर क्या होगा मामा? बस कुल्फी बस, और कोई सवाल नहीं। अगर सवालों में उलझ गई ना पुत्र तो जवाब नहीं मिल पाएंगे। रब से कह दे मुझे बचा ले किस बात।